उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता व तीन तलाक याचिकाकर्ता फराह फैज ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में फराह फैज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि NIA ने जो संदिग्ध लोग पकड़े हैं उसमें एक ऐसा युवक है जिसने उन पर 2016 में हमला किया था। मैं SSP साहब से इसलिए मिलने आई थी कि जो NIA ने लोग पकड़े हैं, संदिग्ध लोग पकड़े हैं, उसमें एक सस्पेक्ट जो है वो लड़का है जिसने मुझ पर 2016 में अटैक किया था। ये मैंने जानकारी दिल्ली में अपने IO जो निज़ामुद्दीन के हैं उनको बता दिया, शिवचरण मीना, और जो SHO GRP है उनको भी ये बता इस बात की जानकारी दे दी। इस मेरे अटैक के पीछे कहीं ना कहीं दारुल उलूम का हाथ है, उन मदरसों का हाथ है या उन संस्थाओं का हाथ है जो समाज में मज़हब के नाम पर जहर घोल रहे हैं। तीन तलाक को फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने बनाए हुए कानून हैं। उन्होंने मजमा क़ानून इस्लामी करके अपने कानून बना रखे हैं, और तो इसलिए वो शरीयत के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं।